सुबह के बज रहे हैं 8, तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं और अभी निकलेंगे यहाँ से। सबसे पहले अपने टायर का इंतज़ाम करना है, थोड़ा सा चौपटा जाना डिले हो जाएगा है ना, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा डिले हो जाएगा। पहले टायर का बंदोबस्त करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो हम लोग निकल लिए हैं तितलवाड़ा, जहाँ पे मैंने होटल लिया था। अभी हम लोग जा रहे हैं टायर का जुगाड़ करने, ठीक है, तो पहुँचते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है, राइट। तो आई लव ब्यूटी, और मैं फिर गाड़ी से उतर के आपको व्यू भी दिखाऊंगा यहाँ का, राइट, बहुत अच्छा व्यू है, ठीक है। टिल देन जुड़े रहिए। सो भाई लोग, अपना हो गया टायर चेंज, वी आर ऑल सेट टू गो नाउ, नया टायर खरीदना पड़ा। चलो अभी दिखाता हूँ। अभी अलकनंदा और भागीरथी जो है उनका संगम यहाँ पे होगा, जब वापस आएगी तो अर्चना। रोड हैज बीन हाईजैक्ड बाय द गोट्स। ओ भाई साहब, हट जाओ जी, हटना ही नहीं है। अभी क्या पता लगा है, जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, दो नदियों का, वो देवप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में नहीं है, और मैं रुद्रप्रयाग में सर्च कर रहा था। तो लेट्स गेट बैक टू आवर डेस्टिनेशन नाउ, जो व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली काम चल रहा है और हमें रुकना पड़ रहा है। जब तक वो ट्रक लोड नहीं होगा तब तक हम नहीं हिल पाएंगे यहाँ से। बस शुक्र है कि टायर मिल गया, अगर नहीं मिलता तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। देखो ये पहाड़ कैसे काटते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो किस तरीके से कटिंग की गई है इसके लिए, राइट। अभी लगेंगे, पूछा है, पता किया है, तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे बोल रहे हैं, तो अभी बज रहे हैं 10:15, तो ऑलमोस्ट 12:30 तक का टाइम लग जाएगा पहुंचने में, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू करनी है। देखो वहाँ पहुंचते हैं, फिर उसके बाद ट्रैकिंग शुरू होगी, होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे जाम लग गया है, दो ट्रक फंस गए हैं आपस में, एंड वी आर स्टक ऑन द ब्रिज यहाँ पे। सो भाई साहब, द फर्स्ट व्यू ऑफ केदारनाथ जी इज हेयर, ठीक है। अभी रास्ते में जाते जाते पर्वत दिखने शुरू हुए हैं, पूरी पूरी आइस जमी हुई है इसके ऊपर। मार्च का टाइम है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छा दिखेगा। मैं आगे का व्यू दिखता हूँ, और अच्छा, इट्स सो ग्रेट, देखो। तो भाई चोपता वाले रास्ते पे डल गए हैं और यहाँ पे पहला वाटरफॉल दिखा है, और यहाँ से अगर मैं व्यू दिखाऊं तो ये देखो केदारनाथ के पर्वत, जय भोलेनाथ। काफी हाइट पे आ गए हैं चोपता में जाते जाते, एंड ये देखो सामने जाने। सो भाई लोग, अपा पहुंच गए हैं चौपटा। यहाँ पे दुकानें बनी हैं, लोग रुक रहे हैं आके मैगी वैगी खाने के लिए। ये चोटियाँ हैं, यहाँ पे जाना है, 5 घंटे लगेंगे, 6 बजे तक वापस, 1 बज गया है। Yeah,
और फिर घूमने के लिए क्या है यहाँ पे? और घूमने के लिए यही है बस। अच्छा, इधर ही है। अच्छा ये बताओ, पेट्रोल का जुगाड़ कहाँ से होगा? पेट्रोल तो यहाँ नहीं होगा भाई जी, नीचे ही जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो फिर कल ही देखते हैं। 40 किलोमीटर। चलो वो तो ढलान पे ही जाना, इतना लगता भी नहीं है ढलान में। थोड़ा बहुत तो होगा ही, इतना तो ना है। रात में खाना वाना भी दे दोगे आप ही? हाँ हाँ। कितने बजे तक? 7-8 बजे तक। अच्छा, ये हमारी मैगी। ये देखो यहाँ से व्यू। तो भाई लोग, सीन है कुछ ऐसा कि ऊपर जाना था ट्रैक करने तुंगनाथ और चंद्रशिला में, तो यार ठंड हो गई है, जैकेट निकाल ली मैंने। तो बोल रहे हैं कि परसों बर्फ भी हुई है, बर्फबारी थोड़ी थी ऊपर की साइड, ठीक है। तो भाई सीन है कुछ ऐसा कि बच गया था एक, अभी हो रहे हैं 1:45। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि अभी ट्रैकिंग मत करो, मौसम ख़राब हो सकता है तो फंस जाओगे ऊपर। राइट, 5 घंटे लगेंगे ऊपर से नीचे आने में। तो अभी क्या है, बेसिकली रोक दिया, अभी खुद को एक रूम लिया है, यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ठीक है। होटल्स तो नहीं है यहाँ पे, जो खाना बनाने वाले उन्होंने अपने रूम्स बनाए हुए हैं, 3-4 रूम्स होते हैं उन्होंने, वो क्या बोलते हैं, वो लिया है एक स्टे करने के लिए। राइट, तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि आज यहीं पर रुकूँगा भाई, आज थोड़ी सी यहीं मस्ती वगैरह मारेंगे, ठीक है, और देखते हैं रात को ठंड हो जाएगी यहाँ पे। तो कल सुबह बोल तो नहीं, 4 बजे जाओ, 4 बजे तो नहीं होगा इतनी जल्दी सुबह उठ के, देखते हैं सुबह 6, या ट्राई करते हैं सुबह 6 बजे उठ के ट्रैक करते हैं, ताकि 11-12 बजे तक वापस आ जाए, दिन हो जाए बस तब तक। राइट, और बादल आ रहे हैं बीच बीच में, मौसम अच्छा हो रहा है। राइट, तो करते हैं भाई, देखते हैं आगे क्या करना है। अभी अब यहीं रुकेंगे, अभी कुछ घूमने के लिए लायक है नहीं, थोड़ी सी ट्रैकिंग देखते हैं ऊपर करके आते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ की खासियत कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ये वाले बहुत सारे फूल हैं जो पेड़ पे उगते हैं। सी दिस, बोल रहे हैं कि एक गेट है आगे जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, वहाँ तक उस गेट को देख के आते हैं, है ना, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। कल का प्लान करते हुए तो पीछे से भी रास्ता है जो थोड़ा सा शॉर्टकट है, जो ऊपर जाके मिल जाएगा, पर आज 100-200 मीटर बोला है, पैदल जाके देख के आते हैं कहाँ से शुरू होता है। अभी क्या, लोगों ने गाड़ी यहीं पे लगा रखी है सारी। ये कुछ शहर गांव से आया पीछे, जो थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेटेड लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा जगह लग रही है। बाइकर्स कहते हुए, तो बेसिकली है क्या, अभी हमें चोपटा के अंदर, राइट। तो चोपटा में बेसिकली क्या है कि चोपटा मशहूर किस चीज़ के लिए है? चोपटा बेसिकली यह बेस पॉइंट है, ठीक है, जो तुंगनाथ टेम्पल है हमारा शिव जी जी का, हाईएस्ट एशिया का हाईएस्ट टेम्पल है शिव जी जी का, राइट, उसका बेस पॉइंट है। राइट, यहाँ पे आपको दुकान ज़्यादा नहीं मिलेंगी खाने पीने की, कुछ 10 या 12 दुकानों की। मैं मार्च के टाइम में आया हूँ, ठीक है। अगर रूम के लिए आप बोले तो रूम्स बहुत कम है, ठीक है। अगर तो सीज़न में आओगे आप लोग तो उसमें रूम्स की दिक्कत हो सकती है मेरे हिसाब से, है ना। और प्री बुकिंग का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, कॉल कर सकते हैं उनको फ़ोन लेके जाके, राइट। और आप लोग यहाँ से जो ट्रैक है 5.5 किलोमीटर का है चंद्रशिला का, और चंद्रशिला पीक, और 3.5 किलोमीटर तुंगनाथ टेम्पल, राइट। तो मोस्टली कवर अप करने में आपको ऊपर से नीचे तक लेके 5-5.5 घंटे लगते हैं, ठीक है, नॉर्मल अगर जाओ तो।
और जो रेगुलर ट्रैकर्स हैं वो 2-3 घंटे में अप डाउन भी कर देते हैं, राइट। तो ये है चोपटा के बारे में, राइट। तो ये अब सी लेवल की हाइट है जो इसकी है करीब 2600 मीटर्स, 2600 मीटर्स अबव सी लेवल हाइट पे है चोपटा। तो ये है भाई लोग अपना छोटा सा कोजी सा रूम, सिंगल ही हूँ लेकिन रूम ही 4 बेड वाला अवेलेबल था तो वही दे दिया उन्होंने, ठीक है। भाई सनसेट हो गया, इट्स 6:21, जो नेट पे दिखा रहा था वो दिखा रहा था कि 6:20 तक सनसेट हो जाएगा, 6:22 तक, 6:21 पे हो गया, राइट। और ठंड बहुत हो गई है, आई गेस 8 or 9 degree टेम्परेचर है इस टाइम पे। देखो पूरा व्यू, ओहो हो ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, चिल्ड ब्रीज चल रही है, चिल्ड ब्रीज यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा है। अभी बस रात को सोलर है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सोलर चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी से फ़ोन वगैरह सब कुछ चार्ज होगा, तो सनसेट होने के बाद जैसे रात हो जाएगी तो ऑन कर देंगे ये लोग, राइट। देखिए व्यू बहुत ही चिल्ड ब्रीज है, सीरियसली बहुत ज़्यादा चिल्ड ब्रीज है।